तालाब में डूबने से दो मासूम चचेरे भाई बहन की दर्दनाक मौत। थाना परसवाड़ा अंतर्गत वनांचल ग्राम लोटमारा में तालाब में नहाने गए चचेरे भाई बहन की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया है। जानकारी अनुसार मृतिका बालिका का नाम अचल यादव, पिता राजेंद्र यादव उम्र 9 वर्ष तथा मृतक बालक पीयूष यादव, पिता दिनेश यादव उम्र 8 वर्ष निवासी लोटमारा बताए जा रहे हैं, जो यह घटना 7 अप्रैल की दोपहर की है। जानकारी अनुसार रोजाना की तरह ही कुछ ग्राम के तकरीबन 5 बच्चे तालाब में नहाने के लिए ग्राम के ही शिकारी टाकी तालाब में नहाने गए हुए थे। तभी तालाब में नहाने के दौरान नहाते नहाते ही एक बालक और एक बालिका जो पीयूष और अचल गहरे पानी में चले गए, जिससे डूबकर चचेरे भाई बहन की मौत हो गई। तालाब में नहाने गए 3 बच्चों ने दोनों बालक बालिकाओं की तालाब में डूबने की सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने स्वयं गहरे पानी में उतरकर दोनों बालक बालिकाओं को बाहर निकाला। उक्त घटना की सूचना ग्राम के कोटवार ने तहसीलदार नितिन चौधरी को दी, जहां से पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। परसवाड़ा पुलिस टीम ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए मर्ग कायम किया, जिसके पश्चात दोनों बालक बालिकाओं के शव को पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया है, जहां देर शाम पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परसवाड़ा से नरेंद्र पप्पू शरणागत। लोटमारा में के तालाब में जो है लोटमारा ग्राम के 5 बच्चे नहाने गए थे, तो नहाते वक्त जो है 2 बच्चे अचानक गहरे पानी में चले जाने से डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिजन लोगों ने जो है डेड बॉडी को निकाल लिया और पुलिस पहुंच करके पंचनामा वगैरह बना करके पीएम के लिए जो है अस्पताल लिया है। पीएम भी हो गया और डेड बॉडी रवाना भी कर दिया है और आगे मर्ग कायम करके जाँच में दिया गया, जाँच की कार्रवाई चल रही है। सर बच्चों का क्या नाम है? बच्चे में एक लड़की है अचल, पिता राजेंद्र 9 वर्ष की है और बालक है पीयूष, पिता दिनेश यादव जो 8 वर्ष का बालक है। ये दोनों की मृत्यु पानी में।